हेलो दोस्तों, व्यू को वास्तु में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डोर विंडो सेट करना सीखेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने वॉल बनाना सीखा था। अगर दोस्तों अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर हम अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने इस तरह से वॉल बना लिया था। आज हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट बनाना सीखेंगे। तो कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद डोर पे क्लिक करेंगे। डोर पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका एक विंडो खुल जाएगा। तो आपको जाना कहाँ है, प्रॉपर्टीज़ में। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है सिंगल फ्लश डोर। यहाँ पर साइज़ भी लिख रहा है 36 इंच × 84 इंच, यानी कि 3 फीट × 7 फीट का आपका ये डोर का साइज़ है। तो यहाँ पर क्या करना है, इससे छोटा लेना छोटा ले लीजिए, बड़ा लेना बड़ा ले लीजिए, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। सी लेवल यहाँ पर आपको दिखाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सील लेवल हम लोग प्लान बना रहे हैं। प्लान में हम लोग का सील लेवल दिखेगा नहीं। जब भी दिखेगा तो कहाँ दिखेगा, एलिवेशन में दिखेगा। तो एलिवेशन में हम लोग वर्क करेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी वो शो कर देगा, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अदर्स में नीचे में लिखा हुआ है 7 हाइट लिखा हुआ है उसका। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सिंपल सा हम यहाँ पर वॉल को चूज़ कर लेते हैं। वॉल जब भी लगेगा तो वॉल पर ही लगेगा, बाहर में क्लिक करके देखिए नहीं लगा। यहाँ पर करना क्या है, जैसे ही आप वॉल पर जाएगा वो खुद को डिटेक्ट कर लेगा, और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे वो आपका सेट हो जाएगा। देखिए सेट हो चुका है ना, सिंपल सा हमारा ये वॉल सेट हो चुका है। अब मान लीजिए इसको एडजस्ट करना है तो वॉल के पास जाएंगे, जैसे इसको सेलेक्ट कीजिएगा, देखिए सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट किए इसको। देखिए सेलेक्ट करने के बाद मेजरमेंट इसका दिखाएगा कि जहां आपने सेट किया वॉल को, वहां से लेफ्ट से और राइट के बीच में वॉल आपका कहाँ लाइक कर रहा है, ठीक है ना। ये सिंपल सा आपका है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एरो बटन जो होता है हमारा कीबोर्ड में, जिससे हम लोग वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं, तो वो यहाँ पर बहुत काम आने वाला है ना। उससे आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट वाले क्लिक करेंगे लेफ्ट में जाएगा, राइट वाले क्लिक करेंगे तो राइट वाले एरो क्लिक करेंगे तो राइट में जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मेजरमेंट का ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वॉल से कितना हट के है। यहाँ पे सिंपल सा आपको एक ध्यान रखना है कि अगर वो देखने में आपको बेहतर लग रहा है, क्योंकि हमारा टोटली क्या है आपका ये मॉडलिंग के लिए है। अब यहाँ पे हम लोग वॉल को यूज़ कर रहे हैं, इसको मान लीजिए इधर फ्लिप करने के लिए दो एरो होता है। इधर वाले के लिए फ्लिप कीजिएगा तो लेफ्ट राइट होगा, और ये जो वर्टिकल के लिए, अगर वर्टिकल वाले को क्लिक कीजिएगा तो वो नीचे और ऊपर की तरफ जाएगा आपका, है ना, अप डाउन होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग मान लीजिए इसको देखिए स्क्रॉल करते हैं, ये अप डाउन होता है आपका, है ना, अप डाउन के लिए हो गया। अब मान लीजिए चाहते हैं कि डोर का पैनल आपका लेफ्ट साइड में रहे, देखिए उस वाले को क्लिक कीजिए लेफ्ट साइड में चला गया। तो ये आपका बहुत ही आसान हो जाता है। वहाँ पर आपको डोर बनाना पड़ता है, उसको फिर रोटेट करना पड़ता है, फिर उसको लेफ्ट राइट अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ये सब चीज़ था आपका। मान लीजिए इस चीज़ एरो वालों का वॉल में भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए सिंपल सा वॉल बना लिए, अब लेफ्ट वालों को क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा आपका, राइट में करेंगे तो राइट में जाएगा आपका, अप करेंगे तो ऊपर जाएगा, डाउन करेंगे तो नीचे जाएगा। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब आपका इसमें कोई ज्वाइंट आपका कोई वॉल ना हो, ठीक है। चलिए तो सिंपल हो गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और वॉल वगैरह को इसमें हम लोग और भी ऐड कर लेते हैं डोर को। डोर में देखिए हमारे प्लान में सही लग रहा है। अगर 3D में यहाँ पे सिंपल क्या ध्यान में रखना है आपको, ये मॉडलिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मॉडलिंग में जो बेहतर लगे आपको, है ना, जो आपको देखने में अच्छा लगता है उसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। वहाँ पर ज़्यादा मेजरमेंट का हम लोग वहाँ ध्यान उतना नहीं रखते, कि मेजरमेंट वाला काम हम कहाँ करते हैं हम लोग, ऑटोकैड में। ऑटोकैड में आपका परफेक्ट ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, है ना। सिमिलरली चलते हैं हम यहाँ पर डिफरेंट और भी डोर को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग ऐड कर लिया। लेकिन आप देखिए यहाँ तो इस तरह से लग रहा है, लेकिन जब इसको हम लोग एलिवेशन में देखते हैं, देखिए एलिवेशन में कैसा लगता है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जिस तरह से डोर को ऐड किया उस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेते हैं, विंडो को भी। यहाँ पर डिफरेंट साइज़ के आपको विंडोज़ मिल जाएंगे। अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं कितना है, 36 × 48 का है आपका, है ना, 3 फीट × 4 फीट का, है ना, चलिए 3 फीट × 4 फीट का है। तो इसमें जो भी आपको लगता है, यहाँ पे आपका सील हाइट भी दिखा देगा, यहाँ पे नीचे में उसका हेड हाइट भी दिखा देगा कि कहाँ तक आपका जाने वाला है। चलिए अब यहाँ पे इसके वैल्यू को चेंज करना तो है नहीं, उसको 7 फीट पे ही हम लोग जनरली यूज़ करते हैं ना, सील लेवल के ऊपर ही यूज होता है हमारा, और आपका लेंटर लेवल तक ही जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग मान लीजिए यहाँ पे अप्लाई करना, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद देखेंगे, है ना, ये हमारा हो चुका है, क्लिक कर दिए। तो ये आपका जो बना हुआ है ये अंदर के साइड रखना है या फिर बाहर के साइड रखना है, यानी आपको जो विंडो को ओपन करना है वो बाहर के साइड ओपन करना है या फिर अंदर के साइड ओपन करना है, वो आपको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो जब भी हम लोग डोर लगाते हैं, विंडो लगाते हैं, तो वो बाहर के साइड ही रहता है आपका, और अंदर में आपका थोड़ा सा स्पेस खाली रहता है कि कुछ सामान वगैरह अपना रखना हो तो रख सकते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है,
देखिए दोनों का डिफरेंट, ये आपका अंदर का साइड हो जाए, बाहर के साइड खाली कभी नहीं रखते हम लोग, जब रहता है अंदर के साइड ही खाली रखते हैं, है ना। तो हम लोग बाहर के साइड इसको यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ कुछ ज़रूरत हो वहाँ वो अप्लाई कर दीजिए। देखिए सिंपल सा यहाँ अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे वो फ्लिप का भी ऑप्शन आ जाता है। अगर मान लीजिए अंदर के साइड हो गया है तो आप वहाँ पर फ्लिप का यूज़ करके उसको बाहर के साइड कर सकते हैं। तो हर एक कॉर्नर पर हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ लगाने के बाद अब हम लोग इसको एलिवेशन में जाकर चेक करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग इस तरह का दिख रहा है ना, यहाँ से देखेंगे तो हमारा ईस्ट का दिखेगा, इधर जाएंगे तो वेस्ट का दिखेगा, ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ का, नीचे देखेंगे तो साउथ का। तो सबसे पहले हम लोग ईस्ट का देखते हैं। ईस्ट में हम लोग क्या दिखेगा, दो विंडो दिखेगा, क्योंकि साइड में हमारा दो विंडो ही था। अब हम लोग यहाँ देते हैं नॉर्थ में, नॉर्थ में दो विंडो था और दो डोर भी था साथ में, तो वो भी उसका एलिवेशन में यहाँ दिख रहा है। देखिए एलिवेशन बनाने का जरूरत नहीं पड़ रहा, लेकिन वो खुद खुद सेट हो जा रहा है आपका। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमारा यही होता है। लेकिन यहाँ पर आपको लिंटल ऊपर में जो वेंटिलेशन होता है वो बनाने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, तो वो बनाने के लिए भी आपको सिखाएंगे आगे में। फिलहाल अभी इतना देखिए, है ना, ये हमारा क्या क्या एलिवेशन में दिख रहा है अभी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं लेवल वन में। लेवल वन में आने के बाद अगले वाले में हम लोग यहाँ पर जो भी हम लोग अच्छा लग रहा है देखने में वही हमका बेहतर होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वाले वीडियो में हम लोग कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, है ना, कंपोनेंट में कौन कौन से फर्नीचर लोग यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में।